पांच दफा दाबी से सर्वभारतीय स्तर में प्रतिवाद सप्ताह पालुछन्ते विभिन्न श्रमिक संगठन आज 20 तारीख पर्यंत समग्र देश में प्रतिवाद सप्ताह पालन करा जाउछि। ओडिसा रे सिटू अनुबंधित निखिल ओडिसा परिवहन कर्मचारी महासंघ पक्षरु प्रतिवाद सप्ताह पालन करा जिवो। परिवहन श्रमिक सबुबले अवहेलित होइ आसुथिबा बेले कोविड परवर्ती समय अधिक क्षतिग्रस्त होइछन्ती। केन्द्र सरकार को द्वारा धार्य सर्वनिम्न मजूरी कर्मचारी भविष्य निधि पांठि एवं ईएसआई मध्य कार्यकारी होना से भी पेट्रोल और डीजल दर वृद्धि घटि चली। परिवहन श्रमिकों सामाजिक सुरक्षा और विपन्न परिवहन श्रमिकों मासिक सर्वनिम्न 26,000 दरमा 58 वर्ष पर पेंशन व्यवस्था लागू करने दुर्घटना जनित और मृताहत हेले क्षतिपूरण प्रदान भली सुविधा जोगाइबा को दाबी होइछि। व्हीकल अमेंडमेंट आक्ट करी परिवहन श्रमिकों को केते अत्याचार कराई पारे केते तांकु माने तांकर अधिकार को छड़े नहीं जाई पारे यही कथा करुछंती। तार प्रतिवाद रे 13-20 आमे ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन तरफ प्रतिवाद दिवस पालन करुछ। 15 तारीख दिन ओडिशा ड्राइवर संघ महासंघ जो डाकरा देछि जे सेमाने स्टीयरिंग छाड़ा करिवे सेथिरे आमर ऑल ओडिशा ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन CI2 संपूर्ण भाव तक आम समर्थन करूँ। आम डिमांड कर 15th लेबर कन्फरेन्स सिद्धांत को बेसीस करें डिमांड कर 26,000 टाँचा सर्वनिम्न मजूरी सरकार घोषणा करूँ हेल्पर मान। सेकेंड पॉइंट आम कर 58 वर्ष हो गले परिवहन श्रमिक मान पेंशन दि जाऊ। तीन नंबर आम कही जदि दुर्घटन गोटे ड्राइवर मरुची कंडक्टर हेल्पर मृत्यु परिवहन कर्मचारी ताकू मृत्युकालीन क्षतिपूरण 20,00,000 टाका एवं जब अकर्मण हुए 10,00,000 टाका दिया जाए। नंबर 4 आम कही ईएसआई ईपीएफ प्रोविडेंट फंड और इन्सुरांस ईएसआई रहा प्रोविजन लागू होना परिवहन श्रमिक कारण आईन रही 20 वर्कर हेले ईपीएफ लागू हम 10 वर्कर हेले ईएसआई लागू हम तेल कौट जगह वर्कर पाइबे ना परिवहन वर्कर आम कहूँ जो आम डिमांड हो आईनटा से भाव में बदला जाऊ।